तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पीडीएफ को स्प्लिट कर सकते हो फ्री में। एग्जांपल के लिए यहां पे मेरे पास 21 पेज का पीडीएफ है। मैं चाहता हूं कि मैं इस पीडीएफ को दो भाग में डिवाइड करूं, जिसमें कि एक से लेकर के 10 तक पेजेस का एक पीडीएफ बनेगा और 11 से लेकर 21 तक का दूसरा पीडीएफ बने। तो यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ को दो भाग में स्प्लिट करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। पीडीएफ को स्प्लिट करने का दो मेथड बताने वाला हूँ। पहला मेथड आपका ऑफलाइन प्रोसेस होगा, लेकिन ये बस आप सिर्फ लैपटॉप में कर पाओगे क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करके। तो क्रोम ब्राउज़र आजकल हर कोई यूज़ करता है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करके कैसे आप किसी पीडीएफ को स्प्लिट कर सकते हो, मीन्स उसके पेजेस को अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग पीडीएफ बना सकते हो। और दूसरे मेथड में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप ऑनलाइन पीडीएफ को स्प्लिट कर सकते हो। तो जो ऑनलाइन प्रोसेस होगा वो आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हो। तो बात करते हैं पहले मेथड की। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले किसी भी पीडीएफ को क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र को आप पीडीएफ को रीड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने पीडीएफ पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओपन विथ का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको ओपन विथ में जा करके क्रोम ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना है और अपने पीडीएफ को क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे 21 पेज का मेरा पीडीएफ है, इसे मैंने क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लिया है। अब आपको पीडीएफ को स्प्लिट करने के लिए, मीन्स दो भाग या फिर तीन भाग में पीडीएफ को डिवाइड करने के लिए, यहाँ पे सिंपली आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी भी यूज़ कर सकते हो इसके लिए, और सेम प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिलता है। तो आपको कहीं से भी यूज़ कर लेना है प्रिंट वाले ऑप्शन को, तो आपको प्रिंट पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एज टाइप में पीडीएफ सेलेक्ट करके रखना है। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको सेव एज पीडीएफ ही सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेजेस का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कस्टम पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको पेज नंबर टाइप करना है। मान लो यहाँ पे मैं 1 से लेकर के 10 तक एक पीडीएफ क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 1-10। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पीडीएफ का लोकेशन सेलेक्ट करके पीडीएफ का नाम दे देना है, पीडीएफ 1-10। यहाँ पर आपका सेव एज टाइप पीडीएफ ही है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। अब मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे जाके दिखाता हूँ। देख सकते हो ये मेरा पीडीएफ है जो मैंने अभी स्प्लिट किया। अब मैं अगर इसे ओपन करके दिखाऊँ तो देख सकते हो दोस्तों, इसमें मेरा 1 से लेकर के 10 पेज ही है। तो मैंने 21 पेज की पीडीएफ में से 1 से लेकर 10 पेज का पीडीएफ स्प्लिट करके अलग कर लिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा मेथड पीडीएफ को स्प्लिट करने के लिए। इसके लिए यहाँ पे आपको फिर से क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, और ये मेथड ऑनलाइन है दोस्तों, तो ये आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सिंपली गूगल पर सर्च करना है स्प्लिट पीडीएफ, तो आपको एग्जैक्टली यही सर्च करना है स्प्लिट पीडीएफ, और यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ वेबसाइट्स दिख जाएंगे, तो ये दोनों वेबसाइट मुझे अच्छा लगा, ilovepdf.com और smallpdf.com। तो ये दोनों अच्छा वेबसाइट है पीडीएफ को एडिट करने के लिए। यहाँ पे आपको इनफ टूल मिल जाते हैं फ्री में पीडीएफ को एडिट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ilovepdf.com वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद देख सकते हो स्प्लिट पीडीएफ फाइल, यहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल सेलेक्ट करने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करके अपने डेस्कटॉप में से पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मेरा मेन पीडीएफ फाइल है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसमें मेरा 1 से 21 तक पेजेस हैं। उसके बाद देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मेरा पीडीएफ पेजेस का रेंज आ जाता है 1 से लेकर 21 तक, यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको साइड में अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है, स्प्लिट बाय रेंज, एक्सट्रैक्ट पेजेस, मीन्स आप पेजेस को यहाँ पर स्प्लिट कर सकते हो या फिर अलग अलग पेजेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मीन्स एक एक पेज का आपका पीडीएफ बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रेंज का ऑप्शन मिलता है, रेंज मोड, तो यहाँ पे आपको कस्टम रेंज का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको रेंज सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कितने नंबर से कितने नंबर तक का पेज अपने पीडीएफ में चाहिए। तो यहाँ पे मान लो मैं 1 से लेकर के 15 तक का पेज चाहता हूँ अपने पीडीएफ में, तो वो यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 से 15 तक रेंज सेलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो एक ही पीडीएफ से मल्टीपल पीडीएफ स्प्लिट करके निकाल सकते हो। यहाँ पे बस आपको एड रेंज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दूसरा रेंज सेलेक्ट करने के लिए मिल जाता है। मान लो मैं यहाँ पे 1 से लेकर के 15 तक एक पीडीएफ बनाना चाहता हूँ
और 16 से लेकर के 21 तक दूसरा पीडीएफ बनाना चाहता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे 17 से लेकर 21 तक एक पीडीएफ बनाना चाहता हूँ, मीन्स मुझे 16वां पेज नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको रेंज ऐड कर देना है, तो ये मेरा दो अलग अलग पीडीएफ बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्प्लिट पीडीएफ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जीप फाइल डाउनलोड होता है, मैं इसे शो इन फोल्डर करके फोल्डर में ढूंढ लेता हूँ। तो दोस्तों ये रहा वो मेरा जीप फाइल। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जीप फाइल ही डाउनलोड होगा, तो यहाँ पे आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। इस पे मैंने पहले ही वीडियो बनाया है कैसे आप किसी भी जिप और रार फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, जिसका कि नाम है विनरार। तो आप मेरा वो वीडियो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है वो सॉफ्टवेयर, तो मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करके इसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों मेरा यहाँ पे दो अलग अलग पीडीएफ आ चुका है, एक में मेरा 1 से लेकर 15 तक पेज है और दूसरे में 17 से लेकर 21 तक, जैसा मुझे चाहिए था। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस चैनल से जुड़े रहें, अभी के लिए बाय बाय।